हाँ ये नहीं है कि दीन कहता है कि अपनी जरूरियात का ख्याल ना रखो, बल्कि इब्ने माजा में हदीस मौजूद है और इमाम बुखारी ने इसको लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा था, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक दिनार है, मैं कहाँ खर्च करूँ? हुजूर ने खर्च करने की तरतीब बताई, फरमाया इसे अपनी जात पर खर्च कर। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे पास एक और दिनार भी हो, फरमाया उसे अपनी बीवी पर खर्च कर। कहा या रसूल अल्लाह अगर एक और दिनार भी हो, फरमाया अपनी औलाद पर खर्च कर। या रसूल अल्लाह अगर एक और दिनार भी हो, फरमाया खादिम पर खर्च कर, अपने गुलाम पर खर्च कर, अपने मुलाजिम पर खर्च कर। या रसूल अल्लाह अगर एक और भी हो तो फरमाया फिर तो तुझे अल्लाह के रस्ते में देना चाहिए ना, फिर तो तुझे फी सबीलिल्लाह कुछ काम करना चाहिए ना। अगर अल्लाह ने तुझे यहां तक फुर्सत दी है कि बीवी का खर्चा भी पूरा हो गया, बच्चों का भी हो गया, खादिम का भी हो गया, तेरा अपना भी हो गया, इतनी सारी नेमतों के बाद भी अगर कोई नहीं बांटता, फिर उसे सोचना तो चाहिए ना, उसे गौर तो करना चाहिए ना। जब इतनी सारी अल्लाह ने